दोस्तों, आदि पुरुष मूवी का टीजर तो आपने देख ही लिया होगा, और इस मूवी का टीजर देखने के बाद हर कोई सिर्फ यही कह रहा है, ये तो टट्टी है। लेकिन चार सबसे मुख्य कारणों की वजह से इस मूवी पर इतना विवाद हो रहा है। पहला, इस मूवी में रावण के सिर के बाल और उसके दाढ़ी को इस रूप में दिखाया गया है जैसे कि क्रूर मुगल शासक या दूसरे मुस्लिम बादशाह नजर आते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी हुबहू वैसा ही दिखता था जैसा कि इस मूवी में रावण को दिखाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रामायण में रावण के रंग रूप और उसके शारीरिक बनावट का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक रावण के माथे पर त्रिपुंड होता था और रावण की खिलजी जैसी दाढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरा, इस मूवी में रावण को किसी चमगादड़ जैसे जीव पर सवारी करते हुए दिखाया गया है, जबकि रामायण के मुताबिक रावण जिस विमान में सवारी करता था उसे पुष्पक विमान कहते थे, और ऐसा माना जाता है कि ये वही विमान था जिससे रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम लंका से अयोध्या आए थे। और रामायण में इस विमान का चित्र भी बना हुआ है जिससे ये साफ पता चलता है कि ये विमान वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। तीसरा, इस फिल्म में रावण की लंका को अंधकार और एक डराने हुए स्थान के रूप में दिखाया गया है, जबकि रामचरितमानस में उल्लेख है कि रावण की लंका सोने की थी। और चौथा सबसे मुख्य कारण यह है कि इस फिल्म में हनुमान जी के शरीर पर चमड़े का बेल्ट दिखाया गया है जो कि उनका सीधे तौर पर अपमान है। इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।